कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा लोकप्रिय शो बैरिस्टर बाबू एक भारतीय सामाजिक ड्रामा शो है, जिसे पिछले साल ही प्रसारित किया गया था और इतने कम समय में इस शो ने आज सभी टीवी शोज को पछाड़ते हुए टॉप पर अपना नाम किया है। तभी तो इसका हर एक एपिसोड देखने के लिए लोग अक्सर बेताब रहते हैं। वेल, यूं तो शो के चलते इसके सभी कलाकार काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कलाकार आज काफी लग्जूरियस हाउस में अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, पर अगर आप इनके इन घरों की कीमत सुनेंगे तो काफी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि आखिर कितने महंगे घरों में रहते हैं ये कलाकार। नंबर 1, पल्लवी मुखर्जी। 21 साल की खूबसूरत अभिनेत्री पल्लवी मुखर्जी सीरियल में संपूर्ण रॉय चौधरी के रूप में नजर आ रही हैं, जो कि एक दूसरी पत्नी का किरदार बहुत शानदार तरीके से पर्दे पर उतार कर दर्शकों का खूब दिल जीत रही हैं। वह अगर बात करें इनके एक्सपेंसिव हाउस की, तो आपको बता दें कि अभिनेत्री आज अपने परिवार के साथ रहती हैं, पर हाल ही में इनके माता पिता ने एक बहुत ही खूबसूरत सा घर खरीदा है, जिसमें पल्लवी मुखर्जी का भी बहुत ज्यादा पैसा लगा है। जी हाँ, इन्होंने इस घर को खरीदने के लिए अपने पिता को करीब 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जहाँ इनके इस घर में आपको हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं साथ ही इनके घर के बाहर एक प्लेग्राउंड भी है, जो अक्सर पल्लवी खेलते हुए नजर आती हैं। वेल, इनका ये घर 2.5 करोड़ का है। नंबर 2, आशीष कौल। वह शिवराज भौमिक के रूप में अभिनेता आशीष कौल नजर आए थे, जिन्हें सीरियल में एक पिता के किरदार में देखा जा रहा है, जहां ये अपने इस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं। बात करें इस दमदार अभिनेता के आलिशान घर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने आज अपनी काबिलियत के दम पर तकरीबन 3 करोड़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर खरीदा है, जिसमें लिविंग रूम से लेकर बिगेस्ट हॉल तक सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जिसकी हर एक चीज का कॉम्बिनेशन घर के अकॉर्डिंग ही है। नंबर 3, प्रणाली राठौर। अनिरुद्ध की पूर्व प्रेमिका सौदामिनी भूमिका किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम प्रणाली राठौर है, जिन्हें सीरियल में मिनी भी कहा जाता है। बता दें कि लोगों को इनका किरदार बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन अगर बात करें इनके एक्सपेंसिव हाउस के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक पर्सनली अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा है, पर जब इनके पिता एक नया फ्लैट खरीद रहे थे, तो प्रणाली ने उस फ्लैट को खरीदने के लिए पूरे 1.5 करोड़ दिए थे, और उनका ये फ्लैट वाकई देखने में बेहद खूबसूरत है, जिसमें आपको कार पार्किंग से लेकर जिम और स्विमिंग पूल तक की हर सुविधा देखने को मिल जाएगी। तभी तो इनका ये फ्लैट पूरे 3 करोड़ का है। नंबर 4, प्रविष्ट मिश्रा। अनिरुद्ध रॉय चौधरी के रूप में मुख्य किरदार निभाने वाले हैंडसम एक्टर का नाम प्रविष्ट मिश्रा है, जो वर्तमान में बोंदिता के पति का किरदार काफी जबरदस्त तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें इस गुड लुकिंग एक्टर के आलिशान घर के बारे में, तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि उन्होंने हाल ही में एक शानदार घर खरीदा है, जहां ये अपने माता पिता के साथ रहते हैं। बता दें कि इनका ये घर तकरीबन 3.5 करोड़ का है, जिसमें प्रविष्ट मिश्रा ने बहुत सारी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, और इनके इस घर में हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमे एक आलिशान जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5, औरा भटनागर। औरा भटनागर बडूनी सीरियल में अनिरुद्ध की पत्नी बोंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी का एक अहम किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिनके किरदार से दर्शक काफी प्रभावित होते नजर आते हैं। बात करें इस चाइल्ड आर्टिस्ट के एक्सपेंसिव हाउस की, तो आपको बता दें कि वर्तमान में ये केवल 9 साल की है, लेकिन बावजूद इसके औरा ने अपने माता पिता को एक नया घर खरीदने के लिए लगभग 70 लाख रुपए दिए हैं, और इनके पैसों को मिलाकर इनके माता पिता ने करीब 2 करोड़ का एक खूबसूरत घर खरीदा है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है, जिसे इन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करवाया है। साथ ही इन्होंने अपने इस घर को फूलों और खूबसूरत पेंट से सजाया है। वेल, इन कलाकारों के इन घरों में से आपको किसका घर वाकई बहुत महंगा लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।